मन में एक्चुअली डर जो बन गया है पहले से उसी को खत्म करना तो हमारा काम है। हाँ, बिल्कुल ट्रैवलर्स का तो यही काम है। आप लोकली दिखा रहे हो चीजें कि क्या शांति है, मैं बाहर से आके दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई है, तभी हम आ रहे हैं, वरना कोई नहीं आ पाता ना। बिल्कुल सही बात है, आज तो खतरा है। मैं पूरा खत्म हो गया हूँ यार, बिल्कुल। हाँ, एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ आज। ये इंटीरियर है इलेक्ट्रिक बस का, अब यहाँ से हम चढ़े हैं इलेक्ट्रिक बस में। हर एक चीज फ्रीज हो गई है कश्मीर में। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, वो भी बर्फ़ में, ठीक है। तो बैकग्राउंड में आपको पता चल रहा होगा कितनी बर्फ़ है अभी, ये देखो स्नो डेजर्ट। तो बाकी अभी की कहानी क्या है कि आज प्रैक्टिकल का पेपर है, वो भी दो प्रैक्टिकल है, और मुझे पहुंचना है श्रीनगर। तो मैं सोचा सुबह सुबह निकल लेते हैं। हमने जो टाइमिंग सेट करके रखी थी उस टाइम पर यार अंधेरा था, और मैंने सोचा भी नहीं, पता नहीं सुबह गाड़ियाँ चलेंगी भी या नहीं। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। वैसे तो टाइम टेबल के हिसाब से 9 बजे पेपर है, दूसरा 1 बजे। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो आप भी बने रहो, प्यार दिखाओ, ठीक है, मिलते हैं आगे। ये देख लो आवाज़ क्या हो रही है चलने का, और यहाँ से स्लिप भी बहुत है। चलो ये चेक करते हैं कि मेरे जूते की स्लिप है। हाँ, आराम से बंदा गिर जाएगा यहाँ से। बाकी नज़ारा देख लो कैसा है, मॉर्निंग व्यू। अभी बस मेरे को अभी बस जल्दी से गाड़ी मिलनी चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगा यार। सुबह सुबह अभी लुढ़कने का शौक भी नहीं है। ये देख लो कैसा मौसम है सुबह सुबह यार, रोड की कंडीशन देखो यार, ना गाड़ी चल रही है ना कुछ। हर एक चीज़ फ्रीज हो गई है कश्मीर में। एग्जैक्ट आओ नहीं भाई, देखो यार कैसा है, कैसे शॉर्टकट से जाना पड़ रहा है। यहाँ से कौन सी गाड़ी चलेगी सुबह, कम से कम गाड़ियाँ यहाँ से 10 बजे चलेगी, उतना यार फ्रीज हुआ है, सारा कुछ स्लिप हो रही है भाई, आज तो खतरा है। मैं पूरा ख़त्म हो गया हूँ यार, बिल्कुल अल्लाह की कसम। मतलब लेकिन मज़ा भी आ रहा है, लेकिन एडवेंचर हो रहा है सुबह सुबह। चलो प्रैक्टिकल गई बाढ़ में, प्रैक्टिकल हो या ना हो भाई आज पूरा दिन एडवेंचर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो देखो यार, अब मैं एक बात बोलूँगा कि सुबह सुबह ना गाड़ी है, मैं यार देखो कहाँ से आ रहा हूँ अभी। एक तो यूनिवर्सिटी वालों का पेपर है हमारा है, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ। ये देखो ये बेचारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इसको अभी सुबह 10 बजे श्रीनगर पहुँचना है। कहाँ से पहुँचेगा यार, हम अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो सुबह तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कम से कम विंटर में बर्फ़ में ये चीज़ें देखा करो यार, क्योंकि हर कोई सिटी में नहीं रहता है, काफ़ी सारे लोगों को दूर एरिया से भी आना पड़ता है। देखो सुबह सुबह कहाँ से जाना पड़ रहा है भाई। देखो यहाँ से भी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। अब हम 2 मिनट में केपी रोड पे पहुँचेंगे, अब अगर गाड़ी मिलेगी तो वो केपी रोड पे ही मिल सकती है, क्योंकि अभी देखो पूरा फ्रीज हुआ है, तो गाड़ियाँ चलना तो मुश्किल दुश्वार ही है। शुक्र है ये भाई मुझे रास्ते में मिले, नहीं तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता यार, मैं तो अकेले बिल्कुल भी नहीं आता। अभी बातें करते करते अपने इस भाई के साथ पहुँच गए, इसको भी पेपर देने जाना है श्रीनगर, क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। वाह ये कैसे जाएगा यार, यहाँ से खतरनाक ये है, कुछ भी कितने कैसे देखो मेरी मेरे को स्लिप हो रही है यार, इसका क्या हाल होगा। ऊपर से रास्ते में है भी नहीं कोई, अगर कुछ हुआ भाई साहब। ये देखो गाड़ी को स्टार्ट देखे भाई, इतनी खुशी इतनी खुशी, इसका मतलब है कि अब गाड़ियाँ निकलेंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये लगा मेल्ट होने कि धूप भी लगी निकलने। हम तो लेकिन टाइम पे नहीं पहुँचेंगे, आसिफ अभी भी वहीं पे है, उसको गाड़ी भी नहीं मिल रही है। गाड़ी भी मिली है लेकिन वो बंदा वेट कर रहा है, बोल रहा है कि मैं
ऋषिक में नहीं जाऊँगा क्योंकि है भी अभी सुबह मॉर्निंग के टाइम पे निकलना ऋषिक रिस्की बहुत ज़्यादा है। देख लो गाड़ी आ गई अब भाई, अब जाके मैं पहुंचा मार्केट में बस स्टैंड के। देखो आशिफ अभी भी नहीं आया, अब मैं यहाँ से आशिफ का वेट करूँगा कि वो कब तक पहुँचेगा, उसके बाद हम निकलेंगे गाड़ी में। ये देख लो लड़का किधर है, आशिफ भाई नौ बजे पेपर था, अभी का टाइम हुआ लगभग, हम चेक करेंगे पहले, चेक करो चेक। 9:53 नौ बजे भाई पेपर था, डेढ़ घंटा पहले ही खत्म। देखते क्या होगा। ये देख लो यहाँ बर्फ बिल्कुल भी नहीं है, धूप देख लो कितनी है। अब जाके हम भाई रंगरेड पहुंचे, नाइलेट जल्दी जल्दी जल्दी। ये चेक कर लो धूप क्या है अभी। तो चलेंगे भाई क्या? हाँ एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ आज, जितना मैंने पढ़ा था पता नहीं कितना पढ़ा था, जितना इसने पढ़ा था उतना आया। हाँ, इतनी खुशी अपना... इतनी खुशी, पेपर खत्म। मगर अब लेकिन हम आज यहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि कल फिर से नहीं तो आना पड़ेगा और कल भी हमारा पेपर है। तो बाकी धूप देख लो कितनी है यार। Day 2 आज दूसरा दिन है और सुबह 9 बजे ही हम पहुंचे आज टाइम पे। ठंड इतनी है, देखो कल कैसा मौसम था श्रीनगर में और अभी का देख लो, क्लाउडी मौसम। लेकिन अभी यहाँ पे स्टाफ भी नहीं आया है, अब हम ही वेट कर रहे थे, कल लेट हो गए थे। अभी आखिरी पेपर है, मतलब आज लास्ट प्रैक्टिकल है, उसके बाद हम घर जाएंगे। क्यों आसिफ भाई? हाँ फिर घर जाएंगे, बहुत सर्दी है अभी। सर्दी है, आसिफ भाई ने सुबह सुबह फेरन लगाया। तो कल क्या हुआ था कि हम फिर दोस्त के पास गए थे, हम यहीं पे थे रंगरेड में ही, उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी बस भाई ने हमें सुबह यहीं पे ड्रॉप किया, तो यहाँ पे अभी सर भी नहीं है। मैंने सोचा यार सुबह सुबह पेपर देख के निकलते हैं, लेकिन अभी स्टाफ भी नहीं आया यहाँ। अभी देख लो स्नोफॉल हो रहा है, अब बस पेपर भी ख़त्म, अब यहाँ से हम चलेंगे ट्रेन में जाएंगे अभी घर। क्यों आसिफ भाई? पता नहीं अभी भी क्या पता नहीं है, बंदे को अभी भी कन्फ्यूजन है। पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ, कल भी अच्छा हुआ था और आज भी इसका अच्छा हुआ, सही बात लेकिन है। लेकिन राज रखना पड़ेगा, राज तो हमने वैसे भी रखा ही है। कहाँ रखा राज? तो अब बस डायरेक्ट चलेंगे रेलवे स्टेशन, ठीक है। आसिफ भाई भूख लगी है बहुत, खाओ खाओ। बर्फ देखो क्या हो रही है, ये आ गई हमारी चाय। आसिफ भाई को भूख लगी है, आ गया लड़का पेपर देखो, बाहर का मौसम देखो कैसा है। अब यहाँ से हम जाएंगे ट्रेन में, लेकिन ट्रेन थोड़ी सी लेट है, तो पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये देख लो ये इंटीरियर है इलेक्ट्रिक बस का, अब यहाँ से हम चढ़े इलेक्ट्रिक बस में। मैं सोचा देख लेते स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस, लेकिन मज़ा है, इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो और गर्मी भी है, हाँ गाड़ी लेकिन पूरी स्मूथ है यार, स्मूथ है। और ये रहा श्रीनगर रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से डायरेक्ट हम चलेंगे घर इस्लामाबाद, अनंतनाग इस्लामाबाद। लेकिन वहाँ पे बर्फ नहीं हो रही है यार, यहीं पे हो रही है श्रीनगर में, ठीक है। अब देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। अब जाके ट्रेन आई यार, बहुत टाइम तक वेट कराने के बाद फाइनली। क्यों आसिफ भाई? अब डायरेक्ट घर चलेंगे, ये इस ट्रेन का अच्छा टाइम पास है। तो रास्ते में अभी हमें मिले एक बहुत बड़े क्रिएटर है, जो कि इनके ना मैंने काफ़ी सारे वीडियो दे रखे हैं, तो अभी ये सामने है। तो कितना आपने ट्रैवल किया है ट्रेन में भाई? ऑलमोस्ट सभी हो चुका, कश्मीर वैली भी लास्ट ईयर आए थे हम लोग, मस्त घूम के गए, और आज आपके साथ ट्रैवल करने को मिल रहा है, लोकली चीज़ें जानने समझने को मिल रही, तो और अच्छा लगा। सही बात है, लेकिन मैं
इंडिया को खूब घुमाऊँ, जगह को 10-10 बार घुमाऊँ, लेकिन मेरे को इंडिया में ही मज़ा आता है। कश्मीर कैसा लगा? आपने तो काफ़ी सारी स्टेट्स घूम रखे हुए। कश्मीर अच्छा लगा मेरे को, मतलब जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, सुकून है, वो हर जगह नहीं है। कश्मीर के लोग मेरे को हमेशा आपकी तरह अच्छे ही मिले, अच्छे ही मिले, बिल्कुल बात करने के लिए, मतलब कभी भी कुछ खराब अभी तक तो नहीं रहा है। जो लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं उनको पूरा पता है, जैसे ट्रैवलर्स हो गए, लोगों के मन में एक्चुअली डर जो बन गया है पहले से, उसी को खत्म करना तो हमारा काम है। बिल्कुल, ट्रैवलर्स का तो यही काम है। आप लोकली दिखा रहे हो चीजें कि क्या शांति है, मैं बाहर से आके दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई है, तभी हम आ रहे हैं, वरना कोई नहीं आ पाता ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें खत्म हो रही है ट्रैवलर्स से, क्योंकि ट्रैवलर्स ना पूरा प्योर दिखाते हैं कि क्या है, मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ता। नहीं नहीं, जीरो लेवल पर हाथ कर वो वाला सिस्टम नहीं है भाई, प्योर दिखाते हैं। ठीक है, जाके हम बस स्टैंड अनंतनाग पहुँचे आसिपुर में। अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊँगा घर। ठीक है, ये देख लो मौसम कैसा है, ना बर्फ़ हो रही है आज ना कुछ, बिल्कुल डिफरेंट श्रीनगर से। मैं घर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे देखो बर्फ़ कितनी है, अभी भी देखा कितना फ़र्क है, और मौसम देखो, मौसम भी क्लियर है। अगर धूप नहीं होती तो यहाँ पर अभी भी बर्फ़ होती बहुत। मुझे यार जोर की भूख लगी है, तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अभी बस टाइम हो गया इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। प्यार दिखाओ वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अपने प्यारे से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।